अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अल्वीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़। नाज़रीन, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कोविड 19 के हवाले से डिफरेंट डिबेट्स जो है आपने देखी, और उन डिबेट्स में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी उनकी भी बातचीत हुई। इस वक्त जो सिनेरियो इस वक्त कॉन्स्टेंटली हम लोग जिसको देख रहे हैं, अगर हम यूएस के स्टेटमेंट्स देखें या फिर इसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट देखें, तो वो दोबारा से बहुत सारे सवालात रेज करती है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम ट्रंप के रीसेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करें, जहां पर उन्होंने चीन के ऊपर इल्जाम लगाए थे और रिबटल में चीन का बहुत ही सैटिस्फैक्ट्री जवाब आया, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे रिसर्च के बहुत जो है एक डिसिप्लिन तरीका कार होता है हमारा रिसर्च का, ऐसे नहीं होता कि वुहान से किसी भी लैब से कोई गलती से कोई वायरस रिलीज हो जाए, हमारे अपने डिसिप्लिन होते हैं रिसर्च और ओवरऑल तमाम तरह लेबोरेटरीज के, इस तरह हम लोग रिसर्चेस नहीं करते। दूसरी जानब एक और स्टेटमेंट हमने देखा जो कि ट्रंप की जानब से आया, वो कहते हैं कि जो सऊदी है उनके ऑयल को ब्लॉक करने के लिए वो बात करते हैं, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अ ग्रेट टाइम टू बाय ऑयल और इसको एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की तरह इस्तेमाल करेंगे वो फर्दर। इसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स जो है इसका बहुत एक पॉजिटिव एक पहलू से वो देख रहे हैं इस सिचुएशन को, जहां पर दुनिया परेशान है, सऊदी परेशान है, लेकिन वो इसको एक पॉजिटिव स्टांस की सूरत हाल में देख रहे हैं। उन्होंने कुछ अरसा पहले जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हवाले से भी कुछ बातें की थी, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे जो कि बहुत सारे क्वेश्चन को रेज कर रहा था। आज के प्रोग्राम में इन तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आखिर बार बार जब ग्लोबल या हेल्थ इमरजेंसी का कह रही है, तो बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने को पड़ेंगे वो आखिर उसका कौन जिम्मेदार होगा, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें फैसिलिटेट करेगी, क्या जो तमाम तर जो मालियाती इदारे हैं क्या वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, या बाकी जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, क्या उनकी कोई इमदाद की जाएगी, क्या उनको सपोर्ट किया जाएगा। अपेरेंटली तो ये कहते हैं खुद को कि हम गुरबत को एलिवेट करते हैं, इराडिकेट करते हैं, लेकिन यही बड़े इदारे जो हैं तमाम तर ममालिक का खून निचोड़ने के एक आलाकार की तरह काम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शुजा हैदर साहब, तजियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं। ओवरऑल बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड 19 के हवाले से पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में लोगों का जो बिहेवियर उनको कितना रिस्पॉन्सिबल दिखाई देता है, और तमाम तर इस सिचुएशन के ऊपर ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में लोग कैसे अपनी जो कुव्वत मुदाफियत है उसको बढ़ा सकते हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। शुजा हैदर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी इस पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है, क्या ये जो पर्सपेक्टिव है अभी मजीद कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आएगी या ये क्लियर है कि ये सिनेरियो क्या है? देखिए अलविना, कुछ भी क्लियर नहीं है अभी तक, हमें यही नहीं पता कि ये मैन मेड कोई गेम है या कुदरती आफत है, अभी तक लोग जो है इसमें कंफ्यूज हैं। अच्छा, इसको कह सकते हैं कि अब दुनिया जो है बायोलॉजिकल वार की तरफ जा रही है, अब हम लोग जो है वो जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हर मुल्क के पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो 5-7 मिनट में 15 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो शायद अब जो है बड़ी ताकतों ने बायोलॉजिकल वार की तरफ जाना का सोच लिया होगा, तो तकरीबन, लेकिन अभी तक कोई चीज़ क्योंकि क्लियर नहीं है। दूसरी बात यह कि दुनिया अभी तक इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, पूरी दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है इस आफत के लिए तैयार नहीं थी। तो वही सिचुएशन पाकिस्तान में भी हुई, हम सब बौखलाए और अभी तक बौखलाए हुए, मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के जो स्टेप्स हैं वो बहुत ठीक स्टेप्स ले रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि देखिए जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उससे कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, हर क्राइसिस आपके लिए एक एक एक, एक तरीके से एक इम्तिहान होता है, और अगर आप उस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो आप और ऊपर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल कोरोना के हिसाब से परवरदिगार ने हमें ये हमारे ऊपर करम किया हुआ है कि ये कोरोना वायरस की, डॉक्टर साहब मेरी बात की तस्दीक करेंगे, ये तीन टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप सी बहुत ख़तरनाक है, मतलब आदमी को कोरोना टाइप सी अगर हो जाता है तो कुछ चंद घंटों का वो मेहमान होता है, ख़त्म है। हमारे यहाँ अब तक वो टाइप सी की ज़्यादा जो है वो मिसालें सामने नहीं आई हैं तो अभी तक जो है। और दूसरी बात है कि हमारी कौम जो है मिलावट की चीज़ें खा खा के, गंदगी खा खा के, कुत्ते गधे खा खा के, हम लोग जो है वो हमारी कुव्वत मुदाफ़े जो है इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत है तो हम उसको झेल पा रहे हैं। बाकी ये कि इसके बाद क्या होगा, ये कब तक चलेगा, कुछ क्लियर नहीं है, सितंबर तक भी खेल सकता है, आगे पूरा 4-6 महीने और चल सकता है, तो इसके बारे में कुछ भी कहना, अभी तक कुछ भी प्रेडिक्शन करना मेरे सामने, मेरे ख्याल में कुछ। डॉक्टर इब्राहिम, ये ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में किसी एक सूबे की बात नहीं करूँगी, पूरे पाकिस्तान की बात करूँगी, क्या आपको लोगों का इसमें एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल दिखाई दिया? देखें, एक तो मैं आवाम को बहुत सारे चैनल्स पे जा के ये बार बार आप लोग एंकर, सोशल मीडिया, डॉक्टर्स हर जगह समझा रहे हैं कि प्लीज़ आप खुद हर जगह गवर्नमेंट की बात
तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है, लॉकडाउन करने की कोशिश कर रही है, मस्जिदों में लोगों को मना कर रही है जाने से, यानी इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, होटल्स बंद कर दिए, पब्लिक प्लेसेस बंद कर दिए, लेकिन स्टिल द अवाम इज नॉट लिस्टिंग टू अस या ऑल ऑफ यू या गवर्नमेंट को भी, यानी दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द वॉर, यानी इट्स एन इन्फेक्शन, ऐसा इनविजिबल इन्फेक्शन है और अगेंस्ट अ वॉर है, इट्स जस्ट लाइक ए वॉर, जस्ट लाइक के स्पेनिश फ्लू जिस तरह हुआ था 1918 में, इसी तरह ये भी इसी तरह का इन्फेक्शन है, जिसमें अगर हम लोगों ने अपनी बात खुद से खुद सुन के अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, लॉकडाउन अपने आप को घर पे नहीं दिया, तो ये इन्फेक्शन आगे जाके विद इन 2 weeks आई डोंट थिंक सो कि ये आप इसको कंट्रोल भी कर सकेंगे। मैं आपको बताऊं कि 15 डेज बैक तो क्वारंटाइन एरिया जो है एक्सपो में, उसमें शायद मुश्किल से एक पेशेंट था, नाउ दिस क्वारंटाइन एरिया इज फुल, इवन दो के आगा खान इंडस आर फुल, प्लस साथ में आगा खान इज बिल्डिंग अ न्यू 500 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाना जा रहे हैं, उनको आइसोलेट करें उनकी पुरानी जो जगह थी, लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक सो कि कल से इन्होंने पब्लिक के लिए इन्होंने कोविड के टेस्ट शुरू कर दिए दोबारा। डॉक्टर इब्राहिम, द क्वेश्चन इज कि जब इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया पूरे पाकिस्तान में हुआ, तब भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, लेकिन अब हम मजीद लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते और पार्शल लॉकडाउन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, और हो सकता है इसको जल्दी से हटा भी दिया जाए, लिफ्ट कर दिया जाए, तो जब लोगों ने तब कोऑपरेट नहीं किया और केसेस फ्रीक्वेंटली बढ़ते गए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या जब ये कंप्लीटली इसको लिफ्ट अप कर दिया जाएगा इस लॉकडाउन को, क्या केसेस मजीद बढ़ेंगे अगर लोगों ने इसी तरह नॉनसेंस एटीट्यूड का मजाक किया? 300 के केसेस ऊपर चले जाएंगे, यानी मतलब एक आदमी अगर इन्फेक्शन होगा तो 300 मल्टीप्लाई आप करते जाएं इस हिसाब से जो केसेस बढ़ते जाएंगे, और इसमें वी डोंट नो कि ये माइल्ड मॉडरेट और सीवियर किस्म के इन्फेक्शन आएंगे या सिर्फ माइल्ड होंगे या मॉडरेट होंगे, कौन सी एज ग्रुप इसमें अफेक्टेड होगा, या कि 10 साल से छोटे बच्चे या 50 साल से ऊपर लोग इन्फेक्टेड होंगे, वी डोंट नो, क्योंकि स्टिल वी आर सर्चिंग ऑन द ट्रीटमेंट्स और इस पर कि हम क्या ट्रीट करेंगे और क्या होगा, वी डोंट नो, लेकिन अगर लोग खुद से अगर समझ लें कि हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है तो दैट वुड बी बेटर फॉर देयर हेल्थ। ठीक है, इस पे बात करेंगे कि आखिर लोगों में क्या आपको कमी इस वक्त दिखाई दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं पे नामो निशान ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बैंक्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बार बार उन्होंने सर्कल्स बना दिए हैं, वो बता रहे हैं कि आप दूर रहें, लेकिन लोग फिर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे, ये वैसे बेसिक एथिक्स के भी खिलाफ है, आप इतना ज़्यादा करीब किसी के जाके खड़े हो जाएं ये तो वैसे ही बदतमीजी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बार बार इन्फॉर्म और एजुकेट करने के बावजूद लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, हमें भी दुख होता है इस तरह हार्श अल्फाज इस्तेमाल करके, फिर लोग नाराज भी होते हैं हमसे, लेकिन इस पर मजीद बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस इन इनसाइडी न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में लोगों का जो इस पे रवैया है कोविड 19 के हवाले से, कितना जो है इस पे वो सीरियस रहे, क्या उन्होंने एहतियाती तदाबीर को जो है मद्देनजर रखा, सोशल डिस्टेंसिंग को उन्होंने समझा, अनफॉर्चुनेटली सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं रहा हमारी आवाम की जानब से, जितने भी मेजर्स हुकूमत ने लिए वफाक या फिर सूबाई लेवल के ऊपर, वो इसी लिए जो है उसके लिए हम कहें तो वो ज़ाया हुए तो ये गलत ना होगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अब्दुल रहमान साहब ने, वाइस चेयरमैन आबाद हैं, उनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, ओवरऑल जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सर, मैं आपकी जानिब आऊँगी, यहाँ पे सर ऐड कर दीजिए इसमें कि लोगों का तो ये रवैया हमने ओवरऑल थ्रू आउट नहीं देखा, बहुत ही कम शहर है जहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपरली लॉकडाउन को फॉलो किया गया और लोगों ने एहतियाती तदाबीर को भी जो है मद्देनजर रखा, लेकिन अब आप लोगों को क्या तजवीज़ देंगे कि किस तरह जो है इस ओवरऑल सिचुएशन में अपने आप को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का अपना ख्याल रखें? लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एक महीने पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, स्टे अवे फॉर अ मीटर, आपको ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने हैं, हैंड वॉश करने हैं जो 20 सेकंड्स के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप घर पे हैं, आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो टेक अ गुड स्टीम, दो दफ़ा तीन दफ़ा, अगर आप घर पर आ रहे हैं तब भी स्टीम लें, घर से बाहर निकल रहे हैं तब भी स्टीम लें, घर आने के बाद एक कलौंजी का पानी ज़रूर पिएं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करें, लेमन वाटर पिएं, नीम गर्म पानी पिएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी को बिल्टअप करें, विटामिन लें, कि आपकी जो इम्यूनिटी जितनी बूस्टअप होगी तो आपको ये इन्फेक्शन लगने के चांसेस सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्टे होम सेफ होम, तो आपको सबसे हम लोग बाहर हैं, आप लोग के लिए डॉक्टर्स भी काम करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी बाहर डिप्लॉयड हैं, हम भी आपको खबर पहुंचा रहे हैं और आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। यही से मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी, अब्दुल रहमान साहब आप क्या कहेंगे इस तमाम तो सिचुएशन के ऊपर, कराची अगर एक दिन बंद होता है तो पूरे मुल्क को कितना नुकसान होता है हमारी इकॉनमी को, यहाँ पे तो पूरा मुल्क बंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आपकी इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं उससे?
देखिए जहाँ तक सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट्स अ वेरी गुड पैकेज। और मैं इसमें सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए दुनिया के चंद बड़े शोबे जो हैं ना, उनमें पॉलिटिक्स है, बिजनेस है और स्पोर्ट्स है, इन तमाम शोबा है ज़िंदगी के अंदर नहायत इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग। तो मेरा इसमें जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि पोलिटिकल एतबार से टाइमिंग वॉज वेरी गुड, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ उसके अगले दिन से इमरान खान साहब का जो ग्राफ है ना वो तेजी से ऊपर गया, दौलती हुई कश्ती जो है ना वो बाकायदगी से तैरने लगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टाइमिंग इज वेरी रॉन्ग। द प्रॉब्लम इज कि आप ऐसी सिचुएशन में जब कोई पैकेज अनाउंस करते हैं तो उस पैकेज की जितनी अफादियत है उससे जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है वो टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस बारे में अभी तक अनसर्टेनिटी है फेडरेशन की तरफ से भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ये लॉकडाउन कितने अरसे चलेगा। जब तक आज़ादाना माहौल तजारत को, तजारती सरगर्मियों को फराहम नहीं होगा, एक गधा गाड़ी चलाने वाले से एक सुजुकी चलाने वाला मूव नहीं कर सकेगा, आप सारी इंडस्ट्रियां चलाइए फिर यानी इसका कोई फायदा नहीं जब तक तमाम तरह एलाइड इंडस्ट्रीज कनेक्टेड ना हो आपके साथ, उन सबको इजाजत ना हो ऑपरेट। बिल्कुल ऐसा ना, देखिए अब स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद बजरी है, ये तमाम मटेरियल लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उसको चलानी तो जरूरत है ना। अब मैं फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर करके भरता जाऊँ वो उनके लिए भी कोई अफादियत की बात नहीं, और वो जब मेरी साइड पे पहुंचे नहीं तो मैं अगर लेबर को बुला भी लूँ तो मैं क्या कर लूँगा, मैं खुद तो काम नहीं जानता। तो सवाल ये है कि जब मैंने आपसे कहा ना कि अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टाइमिंग वाज वेरी गुड, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो जब तक 100% इसमें तो सिंध के ऊपर, सूबे के ऊपर आ जाता है ना, सूबा जो है आपको वो रिलीफ नहीं दे रहा अपेरेंटली। तो वो कहते हैं कि वफाक जो भी फैसला करेगा हमें वो मंजूर है, लेकिन वफाक ने जब फैसला कर दिया, उन्होंने कहा कि आपने ये सारे SOPs मद्देनजर रखने हैं, उसको तो फॉलो नहीं किया गया। सिंध तो अभी भी अपने ही लॉकडाउन के स्टांस के ऊपर है। हाँ लेकिन देखिए अगर ये इसको तो हम सिंपल एक डिवीजन वाली बात कहेंगे ना, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पैकेज का ऐलान किया तो उसमें KP और पंजाब साथ ऑन बोर्ड था, बलूचिस्तान और सिंध ऑन बोर्ड नहीं है। अब मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि कराची के वॉल्यूम को कंस्ट्रक्शन के देखते हुए अगर आप जहन में रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि पंजाब और KP दोनों मिलकर भी पूरा नहीं कर पाते हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कराची में होती है। तो सवाल ये है कि ये किसी एक मखसूस चीज़ को प्रमोट करने के लिए किया गया। तो मुझे जो बज़ाहिर मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि देखिए जब नया पाकिस्तान है ना, नया पाकिस्तान की अपनी अथॉरिटी बन रही है, वो अथॉरिटी होगी अंडर फेडरेशन। अगर वहाँ से सारी अप्रूवल्स होंगी, सब होगा, तो भी इसका सारा इम्पैक्ट या इसकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पंजाब और KPK तक महदूद रहेगी अगर सिंध गवर्नमेंट इसमें 100% ऑन बोर्ड ना आई। तो मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पर पिछले एक डेढ़ हफ्ते से मैं ये देख रहा हूँ कि लोग अप्रिसिएशन को, मुझे गलत नहीं लीजिएगा, आई एम अप्रिशिएटिंग द एफर्ट डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज दिया उनकी मजबूरी है कि वो FATF और उनकी वजह से इसी टाइम के लिए दे सकते थे, मगर बात यह है कि क्या इससे कोई फायदा हासिल होगा। सर एक और शिकायत जो कि सिंपल आ रही है आपकी इंडस्ट्री से, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको जो NOCs है वो भी जारी नहीं की जा रही क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब उसके अंदर SPC और जो तमाम तरह इदारे हैं वो इसमें शामिल है। अब ये तमाम तरह डोमेन तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो फिर इसको ये तमाम तरह इश्यूज रिजॉल्व कैसे होंगे? मैं आपसे सिंपल एक बात कहूँ, SBCA बंद है, आज भी SBCA अगर खोला है तो उसके अंदर पब्लिक डीलिंग बंद है, उनका डिमोलिशन का जो डिपार्टमेंट है वो और उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, नन ऑफ द अप्रूवल्स आर बीइंग डन बाय देम। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अब फर्ज कर रहे हैं कि हम इस वक्त ये देखें कि हम बाकी चीज़ों को भूल जाएं और देखें कि इस पर्टिकुलर पैकेज का बेनिफिट कोई लेना चाहे तो उसको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी अगर उसका पहले से मौजूद नहीं। अगर वो ज़मीन खरीदने जाएगा तो वो ट्रांसफ़र क्या अपने घर में करेगा? भाई आपके सारे रजिस्टर ऑफिस बंद हैं, सारी ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ आपकी बंद हैं, तो अब आपके पास फिर सर के ऊपर तलवार लटक रही है दिसंबर की, दिसंबर 2020 की। तो सवाल ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये बेनिफिट एक महदूद पैमाने पे अगर देखा जाए कि ये सिर्फ पंजाब, दिस इज नॉट पॉसिबल कैटेगोरिकली जब तक फेडरल और जो प्रोविंस है वो दोनों साथ कोऑर्डिनेट करें और इसका एक फाइनल डिसीजन। मेरा ख्याल ये है इसमें और मेरी राय भी है, सो मेरा मशवरा भी है फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, खुदारा मुल्क के इकॉनमी को देखें, इस पेंडेमिक की वजह से सारी दुनिया में जो हशर हुआ है ना,
देखें अल्लाह ताला कभी कभार ऐसे मौके, और यकीन कीजिए कि मैंने न जाने जिंदगी में कितनी बार ये मौके देखे हैं कि एक तरफ मुसीबतें मची होती हैं तो उसमें से अल्लाह ताला कुछ कौमों के लिए ब्लेसिंग निकाल देता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज अमेरिका सुपर पावर है, तो इसी वजह से है कि वो कहीं पर भी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, उसने अपनी इंडस्ट्रीज बनाई, वही जमाना था जिस जमाने में उसने तरक्की की। यहीं से कनेक्ट करेंगे शुजा हैदर साहब, जिस तरह सर कह रहे हैं कि जहाँ पे आफात आती है हो सकता है उसमें अल्लाह ने कोई जो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज जिसको कहते हैं, वो भी मौजूद होती है उसमें, तो यहाँ पे सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, क्या लॉकडाउन को मजीद रखा जाए, क्योंकि अपेरेंटली लोगों ने साथ नहीं दिया हुकूमत का, किसी भी सूबे में फॉलो नहीं किया गया, या पार्शली लॉकडाउन रखा जाए, या इसको खत्म करके हम हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाए कि लोगों का ख्याल भी रख सके हम और इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस करें। एग्जैक्टली मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में बिल्कुल यही बात की थी जो भाई ने कही कि इस क्राइसिस में जो है अगर हम उसको सही प्लान करके उसको अपने अपने हक में भी ले सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस वक्त दो तीन बड़े अच्छे स्टेप लिए, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर का एहसान है उन तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जिनके ऊपर लोन IMF का जो है, लेकिन ऑपोजिशन तो इस पे उसको भी क्रिटिसाइज कर रही है, वो कह रहे हैं कि ये मांगना शुरू कर देते हैं हमारे वजीर आजम इमरान खान। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट यानी आप इसको पॉजिटिव देखते हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा जबरदस्त उनका एहसान, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे इमरान खान साहब जो है इस वक्त इंटरनेशनल लीडर के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि न सिर्फ पाकिस्तान को एक रिलैक्सेशन दिलवाया बल्कि पूरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग थे, ममालिक थे जिन्होंने कर्जे में दबे हुए थे, उनको एक साल का, डेढ़ साल, दो साल का रिलीफ मिल गया, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरा, इन्होंने जो बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त पैकेज अनाउंस किया है, अगर उसको सही तरीके से जो सिंध गवर्नमेंट भी जो है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कोऑपरेट करे और ये सब फैसिलिटेट करें कि लोगों को, जाहिर है जैसे उनका कि जनाब कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसने ज़मीन पर करनी है, हवा में तो करनी नहीं है, तो ज़मीन की खरीदो फरोख के काम को सिलसिले को उसको रजिस्ट्रेशन का सिलसिला आसान किया जाए, एक्सक्यूज मी SBCA है, SBCA को खोला जाए या एक महदूद तरीके से, महदूद लिमिट के लिए खोला जाए, कुछ किया जाए उसको। देखिए शुजा साहब, जो सिंध गवर्नमेंट है वो तो अभी भी अपने स्टांस के ऊपर वैसे ही खड़ी है, वो कहते हैं कि हमने लॉकडाउन ही करना है बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर दैट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है कि आपने इमरजेंसी नाफिज करनी है, हेल्थ इमरजेंसी। देखिए सिंध गवर्नमेंट को थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि ये बिलावल जो साहब हैं, बिलावल जरदारी साहब, ये थोड़ा सा मैच्योर आदमी हैं और ये जो है पॉजिटिव सोच के साथ अपनी पार्टी को लेकर चलेंगे, लेकिन अभी तक उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। अभी तक वही पीपल्स पार्टी का जो हमारा ट्रेडिशनल जो इनका पॉइंट स्कोरिंग का गेम है वही चल रहा है। कोई अभी आपने सुना 8 अरब का स्कैंडल आ गया, मतलब स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं और कोई शफाफियत हमें नज़र नहीं आ रही। हो सकता है इन्होंने पब्लिक में बांटे हों, यकीन करें, मैं यकीन करने को तैयार हूँ कि ठीक है जी, इन्होंने 8 अरब बांटे होंगे, लेकिन कोई तो उनके पास कोई शफाफियत तो हो ना, कोई सिस्टम तो ऐसा हो जो क्लियर हो। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट को तो आप छोड़ देना, लेकिन अच्छा दूसरी बात, मैं ये डॉक्टर इब्राहिम की बात, जहाँ पे वफाक की जानिब से एक रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, दूसरी जानिब सिंध का जो सूबा है वो तो तैयार ही नहीं है लॉकडाउन से हटने के लिए, वो कहते हैं यही सोल्यूशन है अल्टीमेट, और वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा। अब इसमें पूरी कोताही सिंध हुकूमत की नहीं है, इसमें लोगों की भी कोताही है, क्योंकि लोग नहीं कोऑपरेट कर पा रहे। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे आबादी 22 करोड़ की आबादी है और ये बड़े शहर कराची की आबादी 3-3.5 करोड़ का शहर है, इसमें आप मुकम्मल लॉकडाउन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा जैसे मैं सुनता हूँ कि कोरोना से जो बचने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ तरीके बताए कि हाँ जी आप स्टीम ले लें, आप अजवाइन खा लें, आप गार्गल्स कर लें, सब तो कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, हमारे यहाँ एक तो पॉसिबल नहीं है, तो एक दूसरी बात शऊर नहीं है। आप इमिग्रेशन काउंटर पर खड़े होते हैं तो आपके बराबर वाला आपसे इतना चिपका खड़ा होता है, आप कहते हैं प्लीज भाई थोड़ा सा तो एक तो ये कि हमारे यहाँ शऊर की कमी है, दूसरे कुछ चीज़ें हैं कि आप लॉकडाउन कर देंगे, हमारे यहाँ लोगों को सोशल इंश्योरेंस नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, एक आदमी को इनकम की अपनी सिक्योरिटी नहीं है, अगर आप वो उसको आप एक हफ्ते कमरे में बंद करके रखेंगे, इस पर्सपेक्टिव की तरफ नहीं देख रहा, वो ये कह रहे हैं हमने सबको फैसिलिटेट कर दिया, हमने राशन भी बांट दिया, कलामी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पैसे भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर कंप्लीटली सैटिस्फाइड। आप सोशल मीडिया पे देखें, लोग भूख से मर रहे हैं, इससे पहले के थर में लोग भूख से नहीं मर रहे थे क्या? आज ये कह रहे हैं कि जनाब हमने 8 अरब बांट दिया, पार्टी कहती है कि थर में वेंटिलेटर्स भी मौजूद है, हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा है। बस अब क्या करें ना, परवरदिगार ही रहम करे इनको, अकल दे थोड़ा सा जी। मैं चाहूंगा कि देखें, एक बात यह है कि हम सिंध गवर्नमेंट के इसमें अगर ना जाएं कि भाई उन्होंने 8 अरब कहाँ खर्च किए, क्या किया, क्या नहीं किया, दे आर ऑलरेडी फाइटिंग अबाउट दैट। लेकिन सर, लेकिन एक महीना हो गया जब उन्होंने राशन की तकसीम का वादा किया था, वो स्टार्ट हुआ था एक पब्लिक नोटिस में, जिन नंबर्स के जरिए वो स्टार्ट हुआ था, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अगर आप करें तो वो वहां से डिस्ट्रिक्ट से फिर उन्होंने जो है उसको चेंज करके डिफरेंट यूसीज में डाल दिया, फिर यूसीज से उनको हैंड ओवर करके इन्होंने फिर जो है डिफरेंट असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे दिया, फिर वहां से नई लिस्ट बन गई। लेकिन मैं आपको
करूँ, देखें कराची की एक बड़ी खसूसियत ये रही है, और देखें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुछ इंसानों को कुछ इलाकों को खसूसियत देता है। कराची की खसूसियत रही है, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता रहा, मेरी बात बड़ी तल्ख है, लेकिन शायद नहीं सर ये जेन्युइन बात है। आप एक दिन का रेवेन्यू चेक करें ना, पूरा मुल्क हमारा इस पे चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर आके, चाहे जब देखिए हालात नहायत मखदूश थे कराची के, रोज़ाना किलिंग्स और ये तमाम चीज़ें होती थी, उसमें भी मैं आपको बिला शिरकत अजारे एक बात कह सकता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज अप कंट्री से यहाँ पे आती थी, और अल्लाह ताला उनको यहाँ पे उनके पेट का जहन्नुम में उसको भर देता था। ये वाहिद ये मतलब खसूसियत अल्लाह ताला ने शहर को दी है। फिर उसके बाद ये कि यहाँ दोनों किस्म की चीज़ें, एक तरफ ये है कि ब्यूरोक्रेसी और ये मिलकर के जो है लोगों की ज़कात के पैसे भी खा जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसे लोग भी दिए हैं जो लोग घरों पे जाके राशन भी पहुँचे। ये तो है, इसीलिए तो सर फिर भी जिंदा है कराची में सरवाइव कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको अल्लाह ताला ये सहूल, ये अल्लाह ताला ने आपको ये शऊर और ये हौसला दिया हुआ है कि आप पूरे पाकिस्तान के लिए कमा के देते हैं। अब सवाल ये किसी को 15 दिन का राशन मिल गया, उसमें आप 100% लॉकडाउन कैसे फर्स्ट कर लेते हैं? यही क्वेश्चन दादू से एक काफी वीडियो वायरल हुए, एक लड़के की, नौजवान की, वो भी यही कह रहा है, कह रहा है 1 किलो चीनी अगर मिल गई, पहले तो मिली नहीं है, वो कह रहा है फिर उसके बाद मिल भी गई है तो 15 दिन भी इवन 1 किलो नहीं चल सकता। लेट्स अस्यूम फॉर अ मोमेंट जी कि जो कह रहे हैं वो सब हुआ, ठीक है, अच्छा सब लोगों को पहुंच गया, तो फिर 1-1 किलो 15 दिन के बाद, और सिर्फ उसमें चीनी, आटा और 20 रुपए का जो है पैकेट एक चाय का। वजह ये है कि वहाँ पे कल्चर है जी, वो इतनी गुर्बत है, हम शहर में रहते हैं, कराची शहर के अंदर यहाँ गुर्बत है माना हमने, और यहाँ पे शायद पेशावर वो लोग नहीं है जो ये पैसे हमारे पास काम करने वाले लोग आज अगर बेरोजगार हो गए बेचारे तो वो भी परेशान है जो डेली वेजेस पर काम करते हैं। लेकिन इंटीरियर सिंध में तो बेचारे न जाने कितने खानदान ऐसे हैं कि ऑन रेगुलर बेसिस वो करते ही है कि 10 रुपए का आटा, 1 किलो आटा खरीद लिया, 10 रुपए का घी खरीद लिया, उस पर जिंदगी गुजरती है। एग्जैक्टली, इन्होंने उनको वहीं रखने की कोशिश की जो उनकी औकात है। बिल्कुल, डेफिनेटली वही वही माइंड के माइंड गेम किया ना सर, इन्होंने कहा कि यार इनको ज्यादा दे देंगे तो मैं ऐसा होगा कि पेट भर जाएंगे, पेट भर जाएंगे, ठीक है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बिल्कुल वो पेरेंट है, वो पेरेंट है सर, वो पेरेंट है। डॉक्टर इब्राहिम साहब, ये जो वॉक थ्रू गेट्स है इसको काफी अप्रिशिएट किया ग्लोबली लोगों ने, ये टर्की का हमने देखा सबसे पहले पाकिस्तान में के टर्की में किस तरह इसको ऑपरेट किया जा रहा है, फिर इंटरनेशनली बाकी ममालिक को भी हमने वैसे देखा। हाउ डू यू सी दिस? देखें पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि WHO के प्रोटोकॉल्स को एवरीबॉडी हैज़ टू फॉलो, उसकी रिसर्च के आगे कोई रिसर्च नहीं है। ये चीज़ अप्लाई की गई थी, लेकिन कहीं कहीं कंट्रोवर्सीज भी हैं, उस पर भी मैं आऊँगी। कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन स्टिल आपको बताऊँ कि WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं उसको हमें डॉक्टर्स को फॉलो करना ज़रूरी। मैं आपको 3 बातें कहूँगा, एक इसकी, पहले तो वॉक विद थ्रूज की, जो वॉक पे गेज बना रहे हैं, पहले तो ये है कि ये अगर हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं कि सर ने बात की और आप भी बात कर रही हैं, इस पर हम लाखों रुपए अभी दे रहे हैं, प्लस साथ में लाखों रुपए हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे उसके डिटर्जेंट्स पे, उसकी मशीन पे, उसकी मेंटेनेंस पे, और लोग जो इससे बीमार होंगे सबसे पहली बात तो मुझे, क्योंकि फिर वही अवेयरनेस की बात आ जाती है ना, किसी को ये नहीं पता कि पहले तो आपको बताऊंगा WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 30 सेकंड्स लगेंगे उसको इंटीग्रेट करने में इस वायरस को, आप सेकंड्स में चले जाएंगे उधर, आपको नहीं पता कि वो जो जो उसमें डिटर्जेंट यूज किया गया क्लोरीन है या ब्लीच है या जो केमिकल कंपाउंड है, ऑफकोर्स वो आपकी आंख पे अफेक्ट करेगा, बालों पे करेगा, स्किन पे करेगा, किसी को अस्थमा है, एलर्जीज है, COPD है, उसको अफेक्ट करेगा। तो पता चले कि हम एक चीज को ना ऐसी चीज जिससे कोई चीज फायदा है नहीं और उसको हम यूज कर रहे हैं, और पता चले कि आपको दूसरी बीमारियां लग गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि ये चीज इट्स नॉट वर्थ वाइल, यानी आपको ये चीज को प्रमोट नहीं करना है। और मैं कितने लोगों को अभी तक कह चुका हूँ ये इस पे इन्वेस्टमेंट करना इज यूजलेस, ठीक है। दूसरी मैं आपको एक बात कहूँ कि आप कह रहे हैं एज ए डॉक्टर आई एम सीइंग लॉट ऑफ केसेस डे बाई डे इंक्रीजिंग, but what about the cases never went into decline when we were following, apparently we were following it's all, increasing. इट्स इंक्रीजिंग, आप अगर कल का रेशियो देखें, परसों का रेशियो देखें, डे वन से जो देखिए डे वन पे तो देखें इन्फेक्शन जब फैलता है, ग्राफ नीचे कहाँ देखें, इन्फेक्शन 4 लोगों में, आप बताओ 4 लोगों से ABCD को आप काउंट करें तो ABCD लें, आप वो जो ए और बी अगर इन्फेक्टेड थे तो सी को किया, अब वो डी मतलब घर में जो लोग हैं उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब बात बताऊँ एक चीज के, एक तो ये फर्स्ट इनविजिबल वेपन है जिसको हम क्या ट्रीट करेंगे वी डोंट नो, क्या इसको अटैक करेगा हमें नहीं पता। दूसरा अवाम को ये समझना चाहिए कि अगर फर्ज करें कि कोई इंसान अपने घर का इंसान अगर कोई इंटेंसिव केयर में है इस बीमारी के साथ या उस क्वारंटाइन एरिया में है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको
अगर उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद आप उसको नहला नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको दफना नहीं सकते, ये बेहतर है या आप अपने आप दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको उस वक्त एहसास होगा जब किसी का रिश्तेदार उस वक्त इंटेंसिव केयर में उस वेंटिलेटर पे है जिसपे मैं जा नहीं सकता हूँ. तो ये कितना डेंजरस चीज है, यानी आप इस बात को समझें कि इट्स नॉट ए इजी टास्क कि आप कोई भी चीज खोल दें. लॉकडाउन सिचुएशन नहीं है, ये खुद एहसास अंदर की है कि मेरा अगर कोई भी रिश्तेदार अंदर जाएगा. तो सर अपेरेंटली मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली वो एक एजेंडा है इस वक्त, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही मजीद स्ट्रिक्ट रखा जाए, तो आप अभी भी लॉकडाउन के फेवर में? बिल्कुल 100%. लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं. एज अ डॉक्टर, एज अ इंटेंसिविस्ट, आई एम सीइंग एंड आई एम रीडिंग द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे. यू आर सेइंग दैट वी शुड गो ऑन फॉर फर्दर लॉकडाउन, राइट? लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव देख लें अगर हम, जहां पे लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, ना ही घरों में बैठ रहे हैं, बिना जरूरत घर से निकल रहे हैं और पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वैसे ही लोकल ट्रांसमिशन हो रही है वायरस की, फिर तो किसी यूज की नहीं है हमारे लिए. फिर हम क्या करें? फिर तो इकोनॉमी हमारी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए. आपने अगर बाहर के मुल्कों की न्यूज सुनी होंगी, पड़ोसी जितने भी मुल्क है आप देखें, वहां पे लॉकडाउन नहीं है, वहां पे कर्फ्यू है, नोबडी कैन गो आउटसाइड देयर हाउस. ये बिंदु के सर को भी पता है, इनको भी पता, आपको भी पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर नोइंग इट कि नोबडी can go outside but the we've wasted more than a month. ab uske baad logo ke question jaise ki agar wo keh rahe hain ki apparently maan bhi lete hain jis tarah sir bhi keh rahe hain ki ration pahuncha diya sabko, to ab wo 1 kilo chini ya 1 kilo aata kitne din tak chalega? number 1, number 2 sabko nahi mil raha, question kar rahe safed posh log to abhi bhi sharma rahe, and number 3 people are not cooperating with government, they're not listening to media, phir hum kya kare? isse sirf aur sirf hamara economic loss ho raha hai. kya world health organization hame support karega agar hum bhi us era mein chale gaye jo ek world गवर्नमेंट हो सकता है कई दफा गवर्नमेंट हेल्प करती है, और सालों साल से बैक थ्रू आप चले जाए, पास्ट हिस्ट्री से 65 साल से आप पीछे चले जाए, तो गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प टू अवर सोसाइटी. हमारे मुल्क में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट एक ही है कि एक एनजीओ बनती है, जो कुछ एनजीओ बहुत अच्छा काम करती है, कुछ एनजीओ 50% करती है, कुछ एनजीओ पैसे खा लेती है. तो बेहतर यह है कि देखें, हम लोग पहुंचा रहे हैं, मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनको मैंने अपने कुछ फैमिली के लिए 100 लोगों को रिपोर्ट किया और दे आर हेल्पिंग. जब जहां पे लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं ये लॉकडाउन को, उसके अगेंस्ट जाके लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो फिर इस सिनेरियो के अंदर हम तो सिर्फ लूज कर रहे हैं, वी आर नॉट गेनिंग एनीथिंग. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एजुकेशन हम दे रहे हैं, आप और मैं दे रहे हैं, लेकिन वो लोग सुनना नहीं चाहते. ऑफ कोर्स, लेकिन उनको सुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगे तो कल का लॉस आपको मैंने बता दिया, इंटेंसिव केयर में है पेशेंट और आप उसको ना देख सकते हैं, ना उसको दफना सकते हैं, ना उसको आप उसको देखने के लिए आपको कोई मौका मिलेगा. डॉक्टर साहब, यू डोंट माइंड, आपका सब्जेक्ट है, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं. देखिए, ऐसा है कि हम निहायत बेखबर कौम, बहुत कम पढ़ी लिखी कौम हमारे यहाँ. देखिए, वो भी तो एलिमेंट्स है ना, उसकी वजह से लोग उनको बेसिक जो सफाई और सुथराई का कॉन्सेप्ट है वो उसका पता नहीं है. तो ये प्रोटोकॉल्स जो आप बता रहे हैं, ये प्रोटोकॉल्स मैं ये समझता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि 2-3% हमारी जो इलीट है ना और जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो लोग तो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं, एप्लीकेबल नहीं, ऑनेस्टली नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा. ये तो ड्रॉबैक है सर, अगर हम नहीं कर पाए सब कैसे करवाएंगे? ये तो हम लोग एक महीने से कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं उनके साथ. मेरी अर्ज सुने ना जी. अब सवाल ये है कि हम प्रैक्टिकलिटी पे हैं ना. देखें, आइडियोलॉजी एक अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है. WHO चाहे जो मर्जी आए कहता रहे, बट WHO ने अगर कोई, हम, मैं कनाडा में होटल बनाता हूँ, मैं अमेरिका में बिजनेस करता हूँ, अमेरिका के अंदर अगर एक चीज़ है जो उन्होंने एक बेसिक स्टैंडर्ड बनाया हुआ हॉलीडे इन एक्सप्रेस का, उसको वो क्या कहते हैं कि आपकी लोकल जो म्यूनसिपैलिटी है उसके जो बायोलॉज हैं उसके मुताबिक आप ट्विक कर सकते हैं. तो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट, हर कंट्री के जो तरीकेकार, लोगों के रहन सहन डिफरेंट है. हमारे यहाँ अगर कंप्लीट लॉकडाउन तो छोड़िए भाई, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कर्फ्यू कर दें, तब भी 2 कमरों के मकान में 8 आदमी रहते हैं.